जरा जल्दी रेडी करो, फ्लाइट मिस हो जाएगी। तुम्हारी फ्लाइट 6 घंटे बाद है, पैदल निकलोगे ना तब भी मिस नहीं होगी। एक्साइटेड कैसे ना, मैं लंदन जा रहा हूँ वर्ल्ड चैंपियनशिप का फाइनल कवर करने। विराट का तो SMS भी आ गया कि मैं उसका लकी चाम हूँ। कितना एंजॉय करोगे ना तुम लंदन में? एंजॉय? मैं ड्यूटी करने जा रहा हूँ माया, जैसे एक सैनिक फ्रंट पे जाता है ना वैसे। मेरी कंट्री मेरे भरोसे, मेरा चैनल मेरे भरोसे, विराट भी मेरे ही भरोसे। और तुम्हारी धर्मपत्नी, इस सब के बीच उसकी याद आएगी कि नहीं? माया, मैं बहुत जरूरी काम के लिए जा रहा हूँ, ये सब फिजूल बात। मतलब तुमको तो मैं कभी भूल नहीं सकता ना, और जिनको भूल नहीं सकते उनकी याद कैसे आ सकती है? सही जवाब। फील्डिंग कभी कभी अच्छी कर लेते हो तुम। हाँ मोनू, अच्छा तू अभी तक निकला नहीं। मम्मी जी, इस सब की क्या जरूरत है? अबे वही तो मैं भी कह रहा हूँ, नारियल फोड़ के ठंडा ठंडा पानी पीते हैं, वेस्ट क्यों कर रही है इस पे? लंदन जाके किसी गोरी मेम की नजर लग गई मेरे मोनू को तो? माया को जवाब तुम दोगे? मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पापा जी, ये क्या है? बेटा ये टी सेट है तेरे लिए, कनॉट प्लेस से लेके आया हूँ। इसकी क्या जरूरत थी? वो इटालियन वाला सेट है ना मेरा। वो तो हम उठा के ले गए थे। बाद में उन कपों में छेद करके इसने पौधे उगा दिए थे। मेरे महंगे कपों में पौधे? अरे माया, बेकार पड़े थे ना। मैंने सोचा चलो इसमें ना पुदीना और धनी की खेती लगा देते। और वैसे भी ना इटालियन कह के किसी ने चोर बाजार का माल थमा दिया था तेरे को। और बेटा ये लिस्ट रख ले बेटा। रिमोट कंट्रोल कार, परफ्यूम, कोहिनूर हीरा, ये किस चीज की लिस्ट है? ये मेरी शॉपिंग की लिस्ट है लंदन के लिए। शॉपिंग की लिस्ट? कोहिनूर हीरा मैं आपके लिए कहाँ से लेके आऊंगा? अबे असली खरीदने की औकात कहाँ है तेरी? मैं तो वो टूरिस्टों के लिए डुप्लीकेट कोहिनूर होता है ना वो मंगा रहा हूँ। और ये क्या है, 50 इंच का TV? पापा जी मैं प्लेन से जा रहा हूँ, ट्रेन से नहीं। ये सब चीजें मैं कहाँ फिट करूंगा? एयर होस्टेस के हाथ में है ना 500 रुपए का नोट थमाइयो, वो TV को अपने आप फिट कर देगी, बाद में तू उसको फिट कर लियो। ओहो, क्या सिखा रहे मेरे बेटे को? हाँ लंदन से आते वक्त ऐसा कर सकते हैं। आते के टाइम हो गया, लो नारियल फोड़। ठीक है, हे भगवान सुमित की यात्रा। एक मिनट, फोन आ रहा है। हाँ बॉस। हाँ बस निकल ही रहा था, सब रेडी है, टैक्सी भी आ गई है। निकलने की कोई जरूरत नहीं मतलब? हो क्या हुआ सुमित? मेरा लंदन का ट्रिप कैंसिल हो गया। वो नया लड़का है ना तिवारी, जो ऑफिस में है उसे भेज रहे हैं। ओह माय गॉड, बावला हो गया क्या तेरा बॉस? अब इस नारियल का क्या करूं? मैं जानता हूं अब क्या होगा, वो तिवारी मौके पे चौका मारेगा और सब लोग उसकी वाहवाह करेंगे, वो मुझे धीरे धीरे साइड कर देगा और आगे बढ़ जाएगा। बॉस, विराट, जनता, सब उसके फैंस हो जाएंगे, किसी को मेरी कोई जरूरत नहीं होगी। सो सैड बेटा, एक काम कर, भाग के जा और ये लिस्ट तिवारी को ही दे दे। क्या यार, जीता जीता है मैच था। तुम लोग मुझे माफ कर दो यार, मैं किसी भी काम के लायक नहीं रहा। अरे नहीं नहीं, तेरी गलती कहाँ है, आखिरी ओवर में केवल 30 ही रन तो पड़वाए तूने। ठीक है यार, मैं क्रिकेट से रिटायरमेंट ले रहा हूँ, इनफैक्ट हर चीज से, किसी को भी मेरी जरूरत नहीं है, मैं बस यहीं पड़ा रहना चाहता हूँ हमेशा हमेशा के लिए। ब्रो,
जीप देगा। कोई बीमारी नहीं है, लौंडा बस डिप्रेस हो गया। हंस लो हंस लो, मजाक बन गया हूं ना अब मैं। तुझे पता है आदमी कब डिप्रेस होता है? जब उसे लगता है कि वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाया। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, पर फिर मैं पोटली बाबा से मिला। पोटली बाबा? हाँ, बहुत माने हुए ज्ञानी बाबा हैं, हमारी पूरी फैमिली उनको मानती है। ऐसा टोटका बताया कि पूरी लाइफ बदल गई। कैसा टोटका? देख, उन्होंने बता। तू ये क्या सुन रहा है बे? मैं बचपन से डिप्रेशन में हूं। बाबा ने बताया कि कल की चिंता छोड़ो और आने वाले कल की सोचो। कागज कलम लो और एक लिस्ट बनाओ कि मरने से पहले तुम क्या क्या करना चाहते हो। बस एक एक करके करते जाओ, तुम्हारे जीवन को दिशा मिलेगी। मैं बचपन से माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना चाहता था। और मैं ना मरने से पहले एक गोरी अमेरिकन छोरी को पटाना चाहता हूं। तो चलो, तुम भी चलो, मतलब पटाओ, यही वक्त है। और तुम क्या करना चाहते हो मेरे दोस्त? सोचो सोचो। मरने से पहले क्या करना चाहता हूं? हाँ? क्या पर्सनल है, पढ़ो मत। सुमित, तुम्हें क्या हो गया है? लंदन ट्रिप को लेके अभी भी डिप्रेस्ड हो? मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि सब लोग आगे बढ़ गए हैं और मेरी जिंदगी एक जगह आके रुक गई है। मैं कुछ नया करना चाहता हूं, मैं बदलना चाहता हूं। सुमित, तुम्हारा कोई अफेयर शुरू है क्या? ये किसने कहा? तो फिर अपनी नोटबुक क्यों नहीं दिखाते? तुम्हें लगता है मेरा अफेयर चल रहा होगा तो मैं नोटबुक में लिखूंगा? ओके फाइन, आई बिलीव यू। तो फिर नोटबुक दिखा। नहीं नहीं नहीं, सुमित प्लीज प्लीज। दिल्ली के हर रेस्टोरेंट में जाके बटर चिकन खाना, स्कॉटलैंड में स्कॉच विस्की पीना, ये है तुम्हारी जिंदगी का मकसद? बटर चिकन और विस्की? और क्या, इनसे बढ़कर कोई चीज है? इससे बड़ा सोच सकते हो ना सुमित? सोचा है ना बड़ा? बड़े बेड पे आराम से सोना, ताकि मैं पलटते जाऊं पलटते जाऊं पलटते जाऊं और गिरने का कोई डर ही नहीं हो। सुमित, इससे अच्छा कोई और सपना होगा ना? जैसे एक दिन तुम्हारा अपना घर हो, या फिर अपना शो, या फिर अपना चैनल। नहीं, मेरा कोई सपना नहीं। सुमित सीरियसली? क्यों, तुम्हारा कोई सपना है? हाँ, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे ना तो मैं अपना बुटीक खोलूंगी और बच्चों के क्यूट क्यूट ड्रेसेस बेचूंगी। तुम अगर दुकान खोल लोगी तो घर पे खाना कौन पकाएगा? सुमित, खाने के अलावा तुम्हें किसी और चीज की फिक्र होती है? ठीक है, तुम अपनी नौकरी छोड़ के मेरे लिए सिलाई बुनाई करना और बदले में मैं खाना बना दूंगी। हाँ, और फिर तुम्हारी दुकान हिट हो जाएगी और तुम फेमस हो जाओगी और लोग तुम्हें देख के कहेंगे कि इतनी सक्सेसफुल पत्नी का इतना लल्लू पति। ये तो अभी भी कहते हैं। जोकिंग, तुम हर चीज को इतना डिप्रेसिंग कैसे बना लेते हो? सुमित सुमित सुनो ना, मुझे पता है तुम्हारा कोई सपना क्यों नहीं है, क्योंकि तुम्हारे सारे सपने पूरे हो चुके हैं। ये कब हुआ? सोचो, क्या नहीं है तुम्हारे पास? अच्छी नौकरी, लविंग फैमिली, ब्यूटीफुल और टैलेंटेड पत्नी, सब कुछ तो है तुम्हारी लाइफ में। तुम कह रही हो कि ये जो मेरी लाइफ है
यही मेरा सपना है। एग्जैक्टली। तो फिर तुम डिप्रेस क्यों हो? खुश रहो, एंजॉय करो, एंजॉय। हाँ, एंजॉय, चाय। माया, अगर मेरी जिंदगी में सब कुछ पूरा हो गया है तो मैं बाकी की जिंदगी क्या करूंगा? हेलो मम्मी जी। मोनू बैठ, ऑमलेट बना के देती हूँ। नहीं मम्मी जी, मैं एक्चुअली आप लोगों से पूछना चाहता था कि बचपन में मेरे क्या सपने हुआ करते थे। अबे सपनों का तो पता नहीं, लेकिन तुम दोनों भाइयों में से कोई एक हर रात को बिस्तर जरूर गीला करता था। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सोनू, कितने अंडे का ऑमलेट खाएगा? नहीं मम्मी जी, ऑमलेट नहीं खाऊंगा। आप ऐसा कीजिए, 3 अंडे दीजिए कच्चे ग्लास में डाल के। सोनू, तू मेरे हाथ का ऑमलेट नहीं खाएगा? अरे नहीं मम्मी जी, वो दरअसल मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने की तैयारी कर रहा हूँ। सोनू तू चिंता मत कर, मैं ना तेरे लिए बहुत सुंदर लड़की ढूंढ के लाऊंगी, तू पहाड़ पे जाके सन्यास ना ले। अरे नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मैंने बचपन से सोच के रखा था कि मैं एक दिन माउंट एवरेस्ट पे चढ़ूंगा, बस अब और इंतजार नहीं होता। और वैसे भी पोटली बाबा ने कहा है ना कि मरने से पहले सारे सपने पूरे कर लो, क्या पता जिंदगी मिले ना दोबारा। मैं अब तू जा ही रहा है ना, तो एक काम करियो, माउंट एवरेस्ट से लौटते वक्त मोमोज ले आइयो। बाय गॉड, नेपाल के मोमोज बड़े ही कमाल के होते हैं यार। पापा जी एक बार तो सीरियस हो जाइए, ये सोनू का सपना है। ओए मेरा मजाक उड़ा रहा है तू? नहीं यार, आज पहली बार मैं तेरा मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, मैं दिल से कह रहा हूं, मुझे यार तुझसे बहुत जलन हो रही है। तुझे मुझसे जलन हो रही है? हाँ, कम से कम तेरे पास एक सपना तो है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। क्या लिए तेरे पास? तेरे पास ऊपर वाला फ्लोर है, एक गाड़ी, बीवी, दो बच्चे हैं, यहां तक कि माँ भी है। अबे मेरा असली सपना ये है। और तू है कि तेरे पास सब कुछ होते हुए भी तू डिप्रेस हो रहा है। जिसके पास कुछ नहीं होता ना, असली दर्द वो समझता है। क्या हुआ? असली दर्द और मेरा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला सपना भी कैंसिल। मम्मी जी, अब आप ऑमलेट बना दीजिए। आओ, आओ। मेरे मोमोज रह गए। तू अंदर से इतना दुखी है, इतना डिप्रेस है, मुझे बताया क्यों नहीं? पढ़ा नहीं, अखबार में इश्तिहार छपाया था मैंने। मोनू बैठ। अबे मोनू, पता तेरे को मेरा सपना क्या है? क्या? एक दिन बाय गॉड मेरे को कूदी मारनी है। कूदी? हाँ, बंजी जंपिंग। बंजी जंपिंग पापा जी? हाँ हाँ वही। बोलो यार, लाइफ में एक बार वो कर लूं तो बस मजा आ जाए यार। तो करते क्यों नहीं? वही तो मैं भी तुझसे कह रहा हूं। मतलब? देख बोलो, एक बंदा क्लर्की करता है, कोई वकील, कोई बिजनेस करता है, कोई प्लम्बर है, कोई जमुना पार रहता है, कोई ग्रीन पार्क में। पापा जी दिल्ली दर्शन मत करवाओ, मुद्दे पर आओ। अबे पॉइंट ऑफ पॉइंट ये है कि जो किया अपना, बाकी सब सपना।
इसलिए दिमाग पे ज्यादा बोझ मत डाल, जब तक है खुल के जी, क्योंकि मौत कभी भी आ सकती है। परसों, तरसों, कल, आज, अभी। थैंक यू पापा जी। डिप्रेस होने के साथ साथ अब मैं अपनी मौत की भी फिक्र करता रहूंगा। मैन शेड दी नॉट कम दी अगेन। क्या कर रहे हो, क्यों मेरे मोनू को डरा रहे हो? तो क्या कहूं इससे, इसका टाइम नहीं आएगा? आएगा, सबका आएगा, मेरा, तेरा, इसका। और जब आएगा तो बंदा यूं जाएगा। मोनू, मौत की फिक्र करने से ज्यादा जरूरी है उसके लिए तैयार रहना, जैसे मैंने तैयारी की है। जब मैं जाऊंगी ना तो मैं अपनी रमी की कमाई से ना एक पियाऊ बनाऊंगी। हाँ, और ये जाएंगे ना तो पार्क में ना एक बेंच बनवाऊंगी इनके नाम से, स्वर्गीय जसबीर वालिया के नाम। मतलब तेरे नाम से लोग पानी पिएंगे और मेरे नाम पे लोग अपना पिछवाड़ा रखेंगे। तुम भी ना दाम पुण्य के नाम में भी ना कहीं से पिछवाड़ा जरूर घर से के लाओगे। लाऊंगा, जरूर लाऊंगा। अगर तू ऐसे नाइंसाफी करेगी तो ऑब्जेक्शन तो हो गई। ये नहीं ना कि जाते जाते किसी का भला कर जाए, हा? बस बहस 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 करते जाओ। यहाँ तो मैं और डिप्रेस होता जा रहा हूँ। अब तुम्हारा मूड ठीक हुआ? हो जाएगा। अब मुझे मेरी प्रॉब्लम का सलूशन मिल गया। माया, मैं जब मर जाऊँ ना तो कुछ भी करना, पर मेरे नाम पे पार्क बेंच मत लगवाना। क्या? जीते जी तो मैं किसी के काम नहीं आया। मैं जब मरूंगा ना तो मुझे दफना देना, शायद खाद बन के किसी के काम आ जाऊं। ओह माय गॉड, इस पूरे घर को हो क्या गया है? बताया तो मैं डिप्रेस्ड हूँ। डिप्रेस्ड तो सभी होते हैं कभी ना कभी, मैं भी होती हूँ, लेकिन ऐसे रिया करने से कोई फायदा नहीं। झूठ, तुम कब डिप्रेस्ड हुई? प्रेगनेंसी के बाद और पिछले महीने, तुम्हें तो पता भी नहीं लगा। सच? किस बात पे? सुमित, कभी कभी मुझे भी लगता है कि मैं किसी काम की नहीं। सोच रही थी इतने सालों से घर चला रही हूँ, अब अगर नौकरी करनी पड़ेगी तो कर पाऊंगी या नहीं। बस ऐसी छोटी छोटी बातों से डिप्रेस्ड हो जाती हूँ। तो फिर तुम क्या करती हो? फिर मैं अपने तीनों बच्चों की सूरत देख लेती हूँ, दो छोटे और एक बड़ा बच्चा। और फिर लगता है कि जो भी हो सब ठीक हो जाएगा, देख लेंगे जो होना है। सुमित, मुझे पता है जो भी हो तुम्हें हमेशा मेरी जरूरत रहेगी, वैसे ही जैसे मुझे हमेशा तुम्हारी रहेगी। औरों के लिए ना सही, हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत काम के हैं, और ये समझने के लिए मुझे किसी ढोंगी बाबा के लिस्ट की जरूरत नहीं है। सच? हाँ इडियट। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तो फिर दफनाना कैंसिल। तुम मुझे जला देना। जरूरी सूचना, आज जो वर्ल्ड चैंपियनशिप टूर्नामेंट का फाइनल मैच होना था लंदन में, वो घमासान बारिश की वजह से कैंसिल हो गया है। सुमित, ये तो वही मैच है ना जिसके लिए तुम लंदन जाने वाले थे? विराट ने तो पहले ही कह दिया था मैं नहीं जाऊंगा तो मैच डूब जाएगा, देखा। सुमित, इस सब का मतलब समझ आया तुम्हें? हाँ, कि लंदन की बारिश का कोई भरोसा नहीं है। नहीं, इस सब का मतलब ये है कि कल क्या होगा किसे पता। इतना जल्दी डिप्रेस मत हुआ करो सुमित। तुम सही कह रही हो, तिवारी की उम्मीदों पे तो पानी फिर गया और मुझे मौका मिल गया उसकी पतंग काटने का। तुम्हें शर्म नहीं आती? किसी की तकलीफ पे खुश हो रहे हो सुमित? पगली, यही तो असली खुशी है। डाली, लव यू डार्लिंग। जसबीर जी, क्या पागलपन है, ये करने की कोई जरूरत है क्या? मैंने फैसला कर लिया है कि जो भी हो जाए
अब मैं अपना सपना पूरा करके रहूंगा। अब देखते रहो और रोते रहो। वन टू एंड थ्री। डॉली, खाई बहुत गहरी है भाई साहब, मेरे को नहीं करनी है बेंजी जंपिंग। Bum 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 b